नमस्कार आदि ग्रह देश का वार्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं शाहजहांपुर की खबर। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम और मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वासवी के पर्यवेक्षण व सीओ बीएस वीर कुमार के निर्देशन में बंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसओ मनोज कुमार के नेतृत्व में बंडा की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 1:35 पर नौदिया बंकी पुल से 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 700 ग्राम गांजा व 400 ग्राम डोडा बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र हरभजन सिंह, अवतार सिंह पुत्र जनैल सिंह, ओमकार सिंह पुत्र नेतराम सिंह, निवासी ग्राम नौदिया बंकी थाना बंडा शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वे आसपास के क्षेत्रों से खेती करने वाले लोगों से सस्ते दामों पर खरीद कर लाया करते थे और उच्च मूल्यों पर बेचते थे। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम ने एसओ मनोज कुमार, पवन सिंह, प्रेमपाल सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, कुलदीप, अनिल कुमार, नरेंद्र सिंह, विशाल कुमार शामिल रहे। थाना बंडा पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। बंडा पुलिस में जब कल गश्त कर रहे थे तो उस समय नवलिया भक्ति पुलिया के पास 3 लोग मिले, तो उनसे जो तलाशी लेने की कोशिश की गई तो वो आगे गए, तो उनको उनके द्वारा अपनी सिखाई तरीके से उनको पकड़ा गया और तलाशी में जो है तीनों व्यक्तियों से गांजा और डोडा मिला है। 700 ग्राम गांजा और 400 ग्राम डोडा बरामद हुआ है, जिसमें जिनसे बरामद हुआ उनके नाम है कुलदीप सिंह पुत्र हरभजन सिंह, अवतार सिंह पुत्र जनैल सिंह, ओमकार सिंह पुत्र नेतराम सिंह। ये नवदिया मंडी के रहने वाले हैं। इनके पास से ये मादक पदार्थ बरामद हुआ है। जब इनसे पूछा गया कि कहाँ से लाए तो ये स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए, नहीं इनके पास कोई लाइसेंस था। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, समुचित धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है, इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ के आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेजा।